तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम खेले जा रहे एक और न्यू हॉरर गेम और इस गेम का नाम है रेसिडेंट एविल 4। तो दोस्तों, इसके अंदर होने वाला एक कैरेक्टर जिसका नाम है लियोन और उसकी दोस्त या एक गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं जिसका नाम है एडा और उसको खतरनाक लोगों ने किडनैप कर लिया। तो हमें जाना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा कुछ भी करके। और जहां हम जाने वाले एडा को बचाने के लिए, वो बहुत ही खतरनाक विलेज है, मतलब सुनसान भी है और भाई साहब वहां पर रहते हैं खतरनाक लोग जिनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। बट दोस्तों, जाना तो पड़ेगा क्योंकि भाई लियोन की वो गर्लफ्रेंड जो ठहरी। तो दोस्तों, गेम प्ले को बीच में बिल्कुल भी छोड़ना, पूरा कंप्लीटली देखना, लेट्स गो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गेम के अंदर और आपको एक बात बता दूं, मैं ये गेम पूरा एंड्रॉइड है, मैं मोबाइल में खेलता हूँ। जो भी गेम खेलता हूँ वो मोबाइल में खेलता हूँ क्योंकि भाई अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है, पीसी भी नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ। तो लेट्स गो, जल्दी जल्दी भी हम जाते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले भी हमारे साथ आए हुए हैं। तो अभी हमें जाना पड़ेगा अकेले और जो भी करना है वो अकेले ही करना है भाई। तो लेट्स गो, अभी जाते हैं। और यहाँ पर ये गाँव काफ़ी ज़्यादा सुनसान है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर दूर दूर तक मेरा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर जो भी दिखाई देगा ना, वो मतलब समझ लो यार काफी ज्यादा डेंजर आदमी है। वेट, जो मेरे सामने घर था उसके अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ है, तो मेरे को थोड़ा ध्यान रख के जाना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक फोटो भी है जिस लड़की को, मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ढूंढने आया हूँ। और यहाँ पर इस आदमी को पहले पूछना पड़ेगा, क्या पता ये मेरी मदद कर दे। तो अभी मैं अभी हम पूछेंगे इस आदमी से कि भाई इस लड़की को तुमने देखा या नहीं देखा है। बट हमें इतना पता है कि इस विलेज के अंदर कोई भी भाई साहब साधारण आदमी नहीं है, सबके सब यहाँ पर साइकोपथ जैसे घूम रहे हैं। ओके, ये देखने में काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है यार मेरे को। रिकॉग्नाइज अ गर्ल इन दिस फोटोग्राफ। ओके, इसको फोटो दिखा दे यार। कुछ ताजा किए नवकी लड़का बोला है, मेरे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है मेरे को कमेंट के अंदर समझा दो यार, इनकी भाषा कुछ अलग है। बट ये जो लियोन बोलता है ना, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। भाई भाई भाई, अरे यार संभल के थोड़ा सा। अभी ये आदमी मेरे को पहले ही लग रहा था भाई, ये साइको लग ही रहा था, बट सही में निकल गया ये साइको। चलो कोई बात नहीं, इसको तो बजाना पड़ेगा। रुक जा, मेरे पास आएगा तेरी तो। अरे वेट, इसको लग ही नहीं रहा भाई, इतने पास आ गया, तेरी तो बैंड बजाऊं मैं। ओके, ये ले, मेरे पास आएगा। चलो यार, इसकी बैंड तो बजा दिया मैंने, अभी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल दे फटाफट से। और पुलिस वाले यहीं पर है ना कि भाग गए भाई, वो मतलब डरपोक थे सब के सब। और यहाँ पर दरवाज़ा भी बंद कर दिया है। ओ भाई भाई भाई, ये पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा मतलब यार क्या ही बताऊँ मैं, धोखा दे के भाग गए और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। बट मेरे को इतना पता है कि हमें अकेले ही सब कुछ करना है, हमारा कोई साथ देने वाला यहाँ पर नहीं है अभी तक तो फिलहाल। वेट, मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से और नीचे भाई साहब साइको। वेट, कोई भी नहीं है। ओ भाई भाई, मेरे को लगा ही था कोई ना कोई तो बाहर आ चुका है, क्योंकि ये दरवाज़ा कोई ने तो बंद किया था भाई। मैं समझ रहा था पुलिस वाले ने किया है, बट ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ से हम जाते नीचे और नीचे जाके इनको मज़ा चकाते हैं, लेट्स गो। ओ भाई भाई भाई, मेरी छाती पे आके खड़ा हो गया। वेट यार, ओ नो नो, मेरे को भागना पड़ेगा पहले तो। ओके, अभी तेरी बैंड बजाता हूँ मैं, मेरे को मारेगा भाई साहब, हेड ही लूँगा मैं। इतनी देर में तो ये पास आ जाएगा भाई, मेरे को फटाफट से मारना पड़ेगा यार। ओ, उसका हेड लिया मैंने, बट इसको कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं। अभी मेरे को पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, अभी आ जा बुड्ढे, तेरे को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर भाई साहब बहुत सारे लोग हैं, मैं समझ रहा था कोई भी नहीं है यहाँ पर, जिसको देखो उसी के हाथ में भाई साहब एक्स है। वेट वेट यार, मेरे पास इतने भी मत आ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, सच्ची बता रहा हूँ। वेट, ये तू भी चकले, तेरे लिए भी प्रसाद है मेरे पास। चलो, ओ भाई भाई, बुलेट्स रिलोड करो फटाफट से। नो 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 नो, मार मत यार, मार मत, बच्चे की जान लेगा क्या तू। वेट, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड यार, और वैसे काश कि मैं पीसी में खेलता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। कभी खेलेंगे यार, आप लोगों का सपोर्ट है तो भाई एक दिन मैं भी ज़रूर से पीसी लूँगा। वेट, यहाँ पर कोई भी नहीं है दूर दूर तक, मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा और दौड़ लगानी पड़ेगी, क्योंकि इतनी स्लोली स्लोली मैं चला ना तो भाई साहब वांदे हो जाएंगे हमारे। वेट, यहाँ पर कुछ है क्या, इस घर के अंदर देख लेते, क्या पता कुछ मिल जाए। ओ, यहाँ पर एक मशीन रखी हुई है जिसके अंदर इस गेम को मैं सेव कर सकता हूँ। चलो यार, बाई चांस अगर मेरे को कुछ हुआ तो वापस यहीं से स्टार्ट होगा और ये अच्छी बात है। लेट्स गो, अभी निकलते हैं। और अभी तक तो यार मैं यहीं पे कब से घुमा घामी कर रहा हूँ, अभी मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। अभी तक तो मैं यार पूरे गांव के अंदर घुसा भी नहीं हूँ, ये सिर्फ रास्ता है गांव में जाने का। और आगे क्या क्या होने वाला है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये कहानी। लेट्स गो, अभी यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, साइकोपथ दूर दूर तक मेरे को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओ भाई भाई भाई, वेट, तेरी तो बैंड बजा मैं, कौन था भाई। वेट, ये क्या था भाई, यहाँ पर बॉम्ब भी बिछा के रखे यार, या किसी ने मेरे ऊपर हमला किया है गन से। कोई बात नहीं, यही था क्या, यही टट्टी था क्या, तेरी तो बैंड बजाओ मैं इस साले। चलो, इसकी तो टाइम फीस। अभी मेरे को संभल के चलना पड़ेगा भाई,
क्या पता जगह जगह पर यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स रखे हुए हैं, मेरे को ऐसा ही लग रहा है यार। मतलब अचानक से फटा वो और मैं एक बार की हिल गया यार। मतलब थोड़ा थोड़ा यार डर लगता है, हम भी इंसान हैं, हॉरर गेम्स डेली खेलता हूँ, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत डर लगता है, कभी कभी चौंक जाता हूँ मैं। ओ अभी ये क्या कर रहा है भाई तू, मतलब अपनी मनमानी चलाएगा क्या? चलो यार रिलोड कर लेते गन को। अभी यहाँ पर कोई ना कोई हो सकता है इस घर के अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोई है क्या? हेलो, अरे भाई कोई है तो बता दे यार। चलो कोई नहीं यहाँ पर। और ये क्या चीज़ है, एमोस? ओके यहाँ पर भी रखिए, इसको भी उठाओ फटाफट से। यहाँ पर एमोस मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए यार, मतलब कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है आगे बहुत सारे साइको, इनका तो नाम लो भाई साहब हाजिर। ये ले, ओ हेड 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 हेड, रुक जा रुक जा। ओ भाई भाई भाई, चलो यार पीछे वाले का हेड आ गया। ये ले तेरी तो गर्दन उड़ा दूंगा मैं, हट जा इधर से पहले फटाफट, पहली फुर्सत के अंदर निकल। ओ इसकी गर्दन मैंने सच्ची उड़ा दी यार, मैंने मजाक करा था। चलो अभी यहाँ का रास्ता साफ हो चुका है पूरा। हेलो यहाँ पर और कोई है क्या यार बचा हुआ? ओ ये वाला रास्ता, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है मेरे को ऐसा लग रहा है यार। चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ते बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं यार, मैंने बहुत फिल्मों में देखा है। ये रास्ते हमेशा कच्चे ही रहते हैं, पता नहीं बनाने वाले ने पहले ही नक्की किया था कि ये रास्ते टूटेंगे। यहाँ पर कोई है क्या? पीछे से आके हमला मत करना प्लीज़ यार। हेलो, इस घर के अंदर भी कोई नहीं है ना, क्या पता इसके अंदर से भी मेरे को एमओ मिल जाए। ओ भाई 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 भाई, इसके अंदर तो छुपा हुआ है भाई। आजा आजा टट्टी टट्टी बॉय। ओ टट्टी बॉय तेरा हेड ले लूँगा मैं, तेरा सर मत दिखा मेरे को। अरे यार निशाना नहीं लग रहा, ये हेड भाई भाई भाई, तेरी तो तेरा कचरा कर दूंगा मैं। आजा बाहर बाहर तो। ओ भाई भाई रिलोड करो फटाफट से, अभी तेरी पैंट बजा दो। ओ भाई भाई इसकी नुन्नी पर मार दिया यार मैंने, सॉरी भाई, मैं नहीं माना चाहता, इसकी भी गर्दन फोड़ दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, पूरा मरने के बाद गर्दन फोड़ने का अलग ही मजा है। अभी यहाँ पर ये क्या रखा है, ये तो कोई फ्लावर गमला है यार, इसको उठाओ फटाफट से। लेट्स गो, यहाँ पर भी एमओ है बट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे है यार। ओ फाइनली ये गेट आ गया भाई गांव के अंदर घुसने का, फाइनली दोस्तों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार इसी बात पर। फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है गाँव के अंदर, और गाँव में बहुत सारे पद हैं यहाँ पर, मेरे को पक्का पता है। एक एक करके आना यार प्लीज़, एक एक करके आना, मेरे पास वैसे ही पिस्टल है, कोई अच्छी गन भी नहीं है मेरे पास। लेट्स गो, सामने एक पद आ रहा है, आ जा, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे यार ये तो गलत बात है, पर कोई नहीं। ओ है ना भाई हाथ के अंदर, मेरे को दिखी नहीं, मैंने इसको अच्छा आदमी समझ लिया, बट ऐसी बात नहीं है। लेट्स गो, अभी इनको पूरा खाली करते हैं। मेरे को यहाँ से अच्छी सी एक गन मिल जाए ना भाई तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन कोई नहीं मैं पिस्टल से संभाल लूँगा। ओ यहाँ पर तो औरतें भी है भाई, मेरे आँखों में सबके सब चुप रहे हो तुम लोग। ओ भाई भाई वेट वेट वेट, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाता हूँ बातों बातों में। ये ले, अरे 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 ये घेर के मारेगा मेरे को, तेरी इतनी मत। अरे यार मरता क्यों नहीं है, कभी कभी लगती नहीं इन लोगों को। चलो कोई बात नहीं, बाकी बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा जान थी यार। वेट, ये बुड्ढा मेरे पास आ गया भाई, आ जा आ जा आ जाओ अंकल, ये लो प्रसाद सबके लिए, सब में बटेगा। ओ ये भाई काफ़ी ज़्यादा डेंजर लगता है, ये ले तेरा हेड ही लूँगा मैं, इसकी गर्दन ही उड़ा दी भाई मैंने। आंटी जी जरा धीरे चलो यार। ये लो, गलत जगह पे मैं नहीं मारूँगा। ओके मैं इसको मार रहा हूँ, पीछे वाले को दर्द क्यों हो रहा है भाई, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अभी अंकल रुक जाओ यार, थोड़ा सा सब्र कर लो यार, मैं आपको भी मारूंगा। ओ लेडी है यार, सॉरी मैं समझा जा अंकल है। ये टट्टी, सबके सब यहाँ पर टट्टी है यार, कोई में भी दम ही नहीं है। बड़ा वाला मॉन्स्टर यहाँ पर आएगा ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा, बट कब आएगा मेरे को नहीं पता। अरे भाई चला जाना यार, कब से मार रहा हूँ तेरे को, सब बुलेट्स ख़त्म कर दी मैंने तेरे पीछे। अभी एक अकेले अंकल बचे हैं भाई, इनको मारूँ या नहीं मारूँ यार, मतलब ये पूरा गांव सन्नाटा हो जाएगा। बाकी जो बचा था उसको भी मैं ही लेके गया। चलो कोई बात नहीं, अभी मरना दिखा है तो मर जाओ यार, टाटा बाय बाय। सबको मैंने लगभग मार दिया है, और यहाँ पर अभी तक दूर दूर तक मेरे को कोई भी दिखा ही नहीं दे रहा है। ओ वेट, मंदिर की घंटी बजी, और ये लोग कहाँ पर छुप के बैठे थे भाई, मैंने सबको मार दिया था। मैं समझ रहा था ये पूरा गांव खाली हो चुका है, मैं आराम से जाऊंगा, बट ऐसी बात नहीं है भाई, सबके सब हथियार फेंक के जहाँ पर घंटी बज रही है वहाँ पर जाने लग गए। अरे मेरे को भी लेके चलो, एक मंदिर
के अंदर, ये चर्च के अंदर जा रहे हैं और दरवाज़ा बंद। वेट, मैं यहाँ पर अभी अकेला हूँ। लेकिन यार किडनैप किसने किया है? Bingo? सब लोग जा चुके हैं, एक चर्च के अंदर इकट्ठा हो गए और मैं यहाँ पर अभी अकेला हूँ। अभी मेरे को करना क्या होगा यार? वेट, हेलो, अरे यहाँ पर कोई है क्या यार? मैं अकेला यहाँ पर रह गया, मेरे को भी ले चलते साथ में। अभी मैं जिस तरह से गांव के अंदर घुसा था एक गेट में, वही मेरे को गेट, ओ सामने ही गेट है भाई, इसके अंदर घुसना है और फिर आगे चलेंगे और फिर हमें धीरे धीरे पता भी चल जाएगा कि भाई हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ पर छुप के बैठी है, मतलब इसको किसने किडनैप किया, ये भी पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम आ चुके हैं दूसरी तरफ और ये गाँव अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, ये गाँव ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पर और भी साइकोपैथ घूम रहे हैं, मेरे को पक्का पता है। ये लो सामने नाम लिया और सामने हाजिर भाई, ये ले तेरा तो हेड ही लूँगा मैं। इसके हाथ में क्या है भाई? लाठी। बट कोई नहीं, मेरे को मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। लेट्स गो, आजा 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 बुड्ढे आजा, तेरे को ही मारना है मेरे को। तो अभी इस अंकल को भी मारने के बाद, वेट यार यहाँ पर कुछ रखा हुआ है शायद। ओ ये तो यार गधा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, जो भी है। बट मेरे को आगे जाना है और सामने एक और गेट है, मतलब हम, वेट वेट यहाँ पर भी कोई आ रहा है यार, इनको मार के ही जाना है, ये बेहतर रहेगा। पता चला कि पीछे पीछे ये भी आ गए यार, बैंड बजाने के मेरे। लेट्स गो, अभी जल्दी जल्दी जाते हैं और आगे क्या होने वाला है ये देखते भाई। ओ वेट, यहाँ पर विलेज अभी ख़त्म हो चुका है और मैं आ चुका हूँ वापस से एक जंगल में। लेकिन अभी ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है यार? लेट्स गो, और अभी इसके अंदर बॉस कौन होने वाला है ये मेरे को देखना है। इन सबको मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। और अगर मैं बाई चांस बॉस को मार देता हूँ तो फिर एडा हुए मैं आसानी से बचा सकूँगा। बट मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि बॉस हमारे इतनी आसानी से हाथ लगेगा। और इसके अंदर कितने बॉस होने वाले हैं कितने नहीं, ये भी मेरे को अच्छी तरीके से पता नहीं है। लेट्स गो, अभी जल्दी जल्दी जाते हैं और यहाँ पर जो भी पत है इनको ख़त्म करते हैं। फेट, हेलो, ओ भाई 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 बुड्ढा फिर से आ गया यार, ये कहाँ से निकल निकल के आ रहे हो यार तुम लोग? ये शर्म शर्म ही नहीं यार तुम लोगों को, मतलब कितना मारो मतलब। ओ वेट 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 वेट, आंटी जी यार तुम क्या कर रहे हो, ये तो यार हद है, तुम भी पीछे नहीं रहोगी, मतलब मेरे को मारना ही पड़ेगा सबको। ये लो हेड हेड हेड, ओ भाई 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 ये काफ़ी ज़्यादा तेज आ रहे हैं मेरे पास यार। हेलो अंकल, ये लो प्रसाद सब में बैठेगा, सबके लिए सबके लिए। ओ भाई 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 तू ज़्यादा पास में आ रहा है, रुक जा यार। ओ तेरे को मारना, ये भाई कूद कूद के मारे, मतलब कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। चलो इसकी भी मैंने मुंडी तोड़ दी। मेरे को एक बड़ा वाला घर ढूंढना है और यहाँ पर एक भी बड़ा बड़ा, ये रहा ना भाई, फाइनली मैं इस बड़े वाले हाउस के अंदर पहुँच गया भाई, इतनी देर के बाद ही सही, बट हमारा काम कंप्लीट। हेलो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं यार, सन्नाटा है यहाँ पर भी। वेट, यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है, कोई तो होगा यहाँ पर जो मेरे को पता दे कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड किसने छुपा के रखी है। वेट, आराम से आराम से। ओ भाई भाई ये कौन आके गिरा यार, मतलब इसको किसी ने किडनैप कर लिया इसको भी, बट इसके बारे में मेरे को नहीं पता था यार। ये है कौन? इसको फटाफट से खोलो और अभी इससे पता करते हैं कि भाई इसने शायद देखी होगी इसकी गर्लफ्रेंड को, एडा को, और ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है जहाँ तक मेरे को पता है। I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. ओ भाई भाई यार इनके पीछे दो फिर से पत, लेकिन साथ ही साथ कोई और भी है। The big cheese. ये शायद बॉस हो सकता है यार। What? किसी ने एडा को कहीं ना कहीं किडनैप करके रखा है, छुपा के रखा है। वेट, यहाँ पर फाइट होने वाली है शायद। ओ भाई भाई यार, पूरा अंटी पट्टी करा दे यार इसको, तो काफ़ी ज़्यादा डेंजर यार, मतलब बॉस डेंजर होना तभी ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ तक जैसे तैसे करके पहुँच चुके हैं और आज का सफ़र यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। और अभी आगे क्या होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यह कहानी, तो भाई साहब इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर से देखना हो। तो इसके अंदर हमें एक इंसान मिल चुका है जो कि यार मेरे को नॉर्मल लग रहा है, इन साइकोपथ से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है वो, और वो मेरे को शायद बता भी सकता है कि एडा को कहाँ पर छुपा के रखा है।
तो अभी इस बॉस से भी मेरे को सामना करना पड़ेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब तगड़ा है भाई। इससे फाइटिंग करना मतलब मेरे को नहीं लग रहा मेरे बस की बात है, बट यार करना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई हम यहाँ पर आए हैं एडा को बचाने और वो काम करके ही वापस घर लौटेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आया तो भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो इस चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यू गेमिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।